हेलो एवरीवन, वेलकम टू सन्स फेवरेट फूड। चलिए आज बना लेते हैं आलू और रमास की फली की चटपटी और मसालेदार सब्जी, जो बहुत बहुत डिलीशियस बनकर तैयार होती है। बहुत अमेजिंग फ्लेवर होता है इस सब्जी का, बहुत बहुत सिंपल वे में बनाकर तैयार किया है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने आधा किलो रमास की फली ले ली है और इन्हें अच्छे से वॉश करके मैंने थोड़ा सा कपड़े से पोंछ लिया है। ये सिंपल भी खाने में बहुत मीठी लगती हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। अगर इन्हें कच्चा भी खाया जाता है तो ये बहुत बहुत टेस्टी लगती हैं। आपके यहाँ क्या बोला जाता है इन्हें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे यहाँ पर इसे रमास की फली बोला जाता है। और इन्हें अब हमें बारीक करके चॉप कर लेना है। आप इन्हें एक साथ 4-5 को इकट्ठा करके इस तरह से चॉप कर सकते हैं, या फिर आप किसी मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं इनको चॉप करने के लिए। मैंने नाइफ से ही इन्हें कट किया है, इस तरह की शेप में कट कर लिया है। अब मैंने 4 से 5 आलू कट कर लिए हैं। आलू की क्वांटिटी भी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैंने ले लिया है 2 बड़े प्याज, मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। 2 टमाटर की प्यूरी मैंने बनाकर तैयार की है। 2 से 3 हरी मिर्च मैंने कट कर ली है। और मैंने कट किया है थोड़ा सा हरा धनिया। 1 चम्मच मैंने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप इसे चॉप करके भी यूज़ कर सकते हैं जिंजर गार्लिक को। अब कढ़ाई रखा है गर्म होने, उसमें डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच सरसों का तेल। इसे आप घी या किसी अदर ऑयल में भी बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा। तेल गर्म होने पर हम इसमें डालेंगे जीरा, साथ ही इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ी सी हींग, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। डाल रही हूँ मैं इसमें 2 साबुत लाल मिर्च। और अब इसमें ऐड करेंगे हम प्याज। और इन्हें हम थोड़ा सा गोल्डन कलर आने तक पका लेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट भी। और इन्हें साथ ही में हम मिक्स करके गोल्डन कलर आने तक पकाएंगे। इस तरह से चलाते हुए हमें इन्हें पका लेना है। जब प्याज में अच्छा सुनहरा कलर आ जाएगा, अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा, तब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इससे सब्जी में कलर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें डालेंगे हम धनिया पाउडर। 1 चम्मच धनिया पाउडर मैंने यूज़ किया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। गैस को हमें लो फ्लेम करना है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैं टमाटो प्यूरी। और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। मैं 1 चम्मच के करीब इसमें नमक यूज़ कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक यूज़ करें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। मसालों को हमें अच्छे से मिक्स करके पका लेना है कुछ टाइम के लिए। 1 से 2 मिनट के लिए हम इस तरह से इसको पका लेंगे। गैस को हमने लो फ्लेम किया हुआ है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं हरी मिर्च। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको भी। अब इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे, जिससे मसाले हमारे अच्छे से पक जाएं। तो इन्हें हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे। 2 मिनट हो गए हैं और अब हम इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मसाले हमारे पक गए हैं। तो तेल जो है ये इस तरह से ऊपर आ गया है, तो मसाले हमारे बहुत अच्छे से पक कर रेडी हैं। मिक्स कर लेंगे हम इसको। और ये देखिए, ग्रेवी भी हमारी थिक हो गई है काफ़ी। अब इसमें हम ऐड करेंगे आलू। मैं पानी से निकाल कर आलू इसमें ऐड कर रही हूँ। पानी में डालकर रखा हुआ था मैंने आलू को, जिससे कि काले नहीं पड़ते हैं आलू। अगर आप पहले चॉप करके रख रहे हैं आलू को, तो उन्हें पानी में डालकर ही रखें, उससे काले नहीं पड़ते हैं। अगर आप पानी में नहीं डालेंगे तो आलू काले पड़ जाते हैं। पानी में ही डालकर रखें, इसलिए मैंने इन्हें पानी से निकाल कर अब इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें साथ ही में ऐड करेंगे हम कटे हुए बीन्स, कटी हुई रमास की फलियां हम इसके अंदर इसमें ऐड कर देंगे साथ में, और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्रॉपरली अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारे मसाले हमारे आलू और बीन्स के साथ अच्छे से मिल जाने चाहिए, इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। और अब इसे हम ढककर पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए। हम इसे लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं और अब इसे हम चेक कर लेंगे। सब्जी को अब हम चेक करेंगे। तो अभी मैंने गैस को लो फ्लेम ही रखा हुआ है और लो फ्लेम पर इन्हें 4 से 5 मिनट के लिए पकाया था। अभी इन्हें हम 1 से 2 बार चलाएंगे इस तरह से। अभी देखिए हमारे आलू नहीं पके हैं अच्छे से, तो अभी हमारी सब्जी बिल्कुल भी रेडी नहीं है, तो अभी हमें इसे फिर से पकाना है। अभी हम इसे फिर से 4 से 5 मिनट के लिए ढक देंगे और ढककर ही पकाएंगे। इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी यूज़ नहीं किया है। 4 से 5 मिनट हो गए हैं और अब हम इसे चेक कर लेंगे। गैस लो फ्लेम पर ही सब्जी को मैंने पकाया है, इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि इससे सब्जी लगती नहीं है, अदरवाइज़ कढ़ाई वगैरह में लग जाएगी और आपकी सब्जी जलने के भी चांसेस होते हैं। तो गैस का भी ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है। तो देखिए इस तरह से मेरी सब्जी बिल्कुल रेडी हो गई है। ये आलू भी बहुत अच्छे से पक कर रेडी हो गए हैं। बहुत बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है ये सब्जी। आप इसे सिंपल रोटी पराठे वगैरह के साथ इंजॉय कीजिए, बहुत बहुत यम बनती है। गार्निश कर लेंगे हम थोड़ा सा हरे धनिए से। हरा धनिया जो नहीं खाते हैं वो अवॉइड कर सकते हैं। और अब इसे हम सर्व कर लेंगे। बच्चों के स्कूल टिफ़िन में आप इसे दे सकते हैं, ऑफिस टिफ़िन में लेकर जा सकते हैं, घर पर इसे लंच या ब्रेकफास्ट में या फिर इवनिंग में बनाकर रेडी कर सकते हैं। बहुत बहुत डिलीशियस बनती है, तो ट्राई ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कमेंट।